रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को रिलीज हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। फिल्म इस एक हफ्ते के अंदर 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है, कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। अब फिल्म OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन OTT पर रिलीज से पहले ही संसद में इस फिल्म को लेकर भारी बवाल मच गया है। बवाल ऐसा कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने रणवीर कपूर की फिल्म को लेकर अपना दर्द जाहिर किया है। रंजन ने फिल्म में दिखाए गए खूंखार सीन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि इस फिल्म का युवाओं पर गलत असर हो सकता है। रंजीत रंजन के मुताबिक उनकी बेटी एनिमल देखने गई थी और आधी रात को थिएटर से रोते हुए बाहर चली आई, घर आकर भी काफी दुखी थी। उन्होंने बताया कि फिल्म समाज का आईना होती है, समाज पर इसका बहुत असर होता है। खास तौर पर युवा फिल्मों से काफी इंस्पायर होते हैं। हिंसा अन्य फिल्मों में भी दिखाई जाती है, लेकिन इस फिल्म यानी एनिमल में बहुत ही ज्यादा हिंसा दिखाई गई है। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड की फिल्मों के साथ विवाद का जोड़ना कोई नई बात नहीं है। अक्सर फिल्मों की रिलीज से पहले ही बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। वहीं ये भी माना जाता है कि विवाद खड़ा हुआ नहीं कि फिल्म का सुपरहिट होना तय है। अगर देखा जाए तो फिल्म PK से लेकर कश्मीर फाइल्स तक ऐसी कितनी ही फिल्में हैं जिन पर न सिर्फ विवाद खड़ा हुआ है बल्कि काफी विरोध भी हुआ है, लेकिन इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कलेक्शन किया है। हालांकि ज्यादातर फिल्मों के विवाद रिलीज से पहले ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन हाल में ही रिलीज हुई रणवीर कपूर की फिल्म, इस फिल्म को लेकर रिलीज के बाद विवाद खड़ा हुआ है। फिल्म एनिमल को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है। एनिमल फिल्म में भयंकर खून खराबा और गोलीबारी दिखाई गई है। दरअसल फिल्म में खून खराबे एंटीमेट सीन की वजह से इसे सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है। सेंसर बोर्ड की तरफ से यह निर्धारित करने की कोशिश की गई है कि फिल्म को बच्चे न देखें। सिनेमाघरों में इसे रोक लिया गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब फिल्म OTT पर रिलीज होगी तो इसे बच्चों से कैसे रोका जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म OTT पर जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में रिलीज हो जाएगी। अभी जो सबसे बड़ा सोचने का विषय ये है कि फिल्म देखने के बाद बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर खासी चर्चा हो रही है। तो देखा आपने एनिमल को लेकर चर्चा क्यों है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपको क्या लगता है इसे OTT पर रिलीज होना चाहिए या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।